सेठी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, थोड़ी देरी से आए हैं लेकिन स्वागत करती हूँ। सेठी जी, मुद्दा वही है आज का, क्या गठबंधन में वाकई फूट पड़ चुकी है? गठबंधन के जो लोग हैं वो तो साफ इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर से ऐसा ही दिख रहा है कि गठबंधन टूटने की कगार पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। देखो, पहली बात तो मैं थोड़ी सी बात इनकी करना चाहूंगा, जो भी सरकार है, चाहे स्टेट की सरकार है, चाहे सेंटर की सरकार है, देश की जनता उसको चुनती है काम करने के लिए। आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ये आपकी ड्यूटी है, दैट इज योर जॉब, कि आपको सरकार के लिए चुना गया है और आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों की महंगाई के लिए, रोजगार के लिए आप काम करें, इस करके आपको एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि गठबंधन जो इंडिया बना है उसकी सबसे ज्यादा दहशत भारतीय जनता पार्टी को, उनको डर है, उनको खौफ है और उनको घबराहट है कि आने वाले चुनावों में 3 बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने हराया, एमसीडी में हराया, हिमाचल में कांग्रेस ने हराया, कर्नाटक में हराया, इनकी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है और ये बार 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 हर दूसरे दिन एक मुद्दा उठा देते हैं कि गठबंधन में तो बहुत बड़ा टकराव हो गया। गठबंधन बड़ा स्ट्रांग है और स्ट्रांगली यहाँ पे चुनाव लड़ेगा और देश की जनता जिसको मैंडेट देगी वो देश की जनता का जो है उसकी सेवा करेगा। आपको चिंता किस बात की है? अगर गठबंधन टूटेगा तो आपकी वाहवाही है, आपकी जय जयकार है, आप घबरा किस लिए रहे हैं? आप आज सरकार के अंदर हैं, आपका काम है आप महंगाई के ऊपर काम करें। आप अभी ये रोजगार की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ आपने सरकारी जॉब तो खत्म कर दी, यहाँ इतने युवा खड़े हैं, मैं बताता हूँ प्राइवेट बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने सबने अपनी एम्प्लॉयमेंट फ्रीज कर रखी है, वहां पे इनडायरेक्ट लेबर है, जिस लेबर का शोषण होता है, जिस बच्चे को 70,000 सैलरी होनी चाहिए उसको 18,000 रुपए काम करा जाता है और उसको 14-18 घंटे काम कराया जाता है, बिना नोटिस के उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। सिक्योरिटी कहाँ है? लोगों के परिवार की सिक्योरिटी कहाँ है? बड़ी बात कहाँ है? बड़ी बात।